हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, नहीं छे अपना हक, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, चलो नहीं छोड़े हक, छोड़ेंगे। हमारा आज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया था वो सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। दफ़ा 370 टूटा था, हमने उसका वेलकम किया था कि अब जो हमारी स्टेट है यूटी बनने को जा रही है, इसलिए हमें दिल्ली का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनके पास डोर टू डोर जाते रहे, खास करके जो सेक्रेटरीट में हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो बाहर के अफीसर हैं, वो ना उनको मिलने की हमें इजाज़त देते हैं, ना हमसे बात करके राजी हैं। जो सरकार एम्प्लॉइज़ का, जो सरकार पब्लिक का के साथ प्यार नहीं है, उसको कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। और सरकार ने उन लोगों की पॉलिसी बनाई है जो देश द्रोही लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी बन रही है सिलेंडर करो और पैसे ले जाओ, लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट की सेवा की इतनी देर के मेहनत करके सब, लेकिन उनकी सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारे पेंटी ड्यूज़ हैं जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्राम 1999 एंड सिक्स पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड कॉरपोरेशन बेनिफिट कोले के आरडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जिनका अमाउंट है 16,76,59,497 रुपये। हमारी सरकार से ये मांग है हमारी जो पेंटी लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर किए जाए। अगर भाई एक हफ्ते तक हमारी ये पेंटी लाइबिलिटी क्लियर नहीं होती और 19 नवंबर को हम सेक्रेटरीट की तरफ कूच करेंगे, जो प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड से रैली स्टार्ट होगी सेक्रेटरीट की तरफ जाएगी। हम फिर सरकार से मांग करते हैं हमारी पेंटिंग लाइबिलिटी विद इन डेज तक क्लियर की जाए। धन्यवाद।